हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 15 मार्च 2019 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट examguruji.in से डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें, वहां से भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ें उससे पहले एमपीपीएससी के लिए रात को 10 बजे हमारी डेली लाइव क्लास होती है। वर्ल्ड हिस्ट्री वहां पर चल रहा है तो वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा एमपीएसआई कांस्टेबल के लिए 5, 6, 7 और 8 चार लगातार क्लासेस हिंदी, गणित, रीजनिंग और इंग्लिश की चल रही है, सो वो भी आप देखना मत भूलिएगा। शुरू करेंगे वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों के रिवीजन की। पहला प्रश्न था कि चौथा IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो अगस्त में यह आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु में। वहीं दूसरा प्रश्न है कि कितने राज्यों ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है, तो 12 राज्यों ने प्रतिबंध लगाया है। तीसरा प्रश्न है कि भारत सहित कितने देशों ने बोइंग 737 मैक्स 8 विमान को प्रतिबंधित किया है, तो ये कुल 45 देशों के द्वारा किया गया है। वहीं चौथा प्रश्न है कि किस देश में रॉयल गोरखा राइफल्स की नई बटालियन स्थापित की जाएगी और ये बटालियन ब्रिटेन में स्थापित की जाएगी। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस पुस्तक मेले में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया, तो ये लंदन पुस्तक मेला है। वहीं छठवा प्रश्न है कि किसे एक्सिस बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये है राकेश मखीजा। सातवां प्रश्न है कि किस राज्य की अपराजित हल्दी को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है तमिलनाडु की हल्दी को। वहीं आठवां प्रश्न है कि सी लाल सावता को किस राज्य के पहले लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये जो है मिजोरम के लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। नवा प्रश्न है कि RBI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल कारखानों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, नंबर वन पर है, तो इसमें तमिलनाडु नंबर वन पर है। वहीं दसवां प्रश्न है कि किस देश ने भारत को हराया और एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज पर 3-2 से कब्जा कर लिया, और उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। सो ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्न। अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो। सो पहला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये जो किया गया है DRDO के द्वारा। मैन पोर्टेबल यानी कि व्यक्ति के द्वारा, मानव के द्वारा इसको चलाया जा सकता है। अब इसकी डिटेल देखिए क्या है। सो जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है जिसको DRDO कहा जाता है, उसने क्या किया है कि राजस्थान का जो रेगिस्तान रेंज है वहां पर दूसरी बार देश के अंदर कम वजन की जो फायर एंड फॉरगेट मतलब दागो और भूल जाओ, इस प्रकार की पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है उसका परीक्षण किया है। और ये जो है एकीकृत विमानी की व्यवस्था जो होती है उसके तहत जो अत्याधुनिक तकनीक है जिसको इमेजिंग इंफ्रारेड रडार साधक है, मतलब ये रडार से वगैरह बच सकती है, तो इस प्रकार की ये एक व्यवस्था है। बात करेंगे DRDO की यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई थी उसकी 1958 में। इसके अध्यक्ष वर्तमान में जी सतीश रेड्डी हैं। वहीं मोटो इसका वलस्य मूलम विज्ञानम यानी स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि छठे विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो छठा विश्व उर्दू सम्मेलन इसका आयोजन नई दिल्ली में हाल ही में किया जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इसकी डिटेल देखिए क्या है। तो अभी घोषणा की गई है कि जो दिल्ली है वहां पर छठवां विश्व हिंदू सम्मेलन 18 मार्च से शुरू होगा और नई दिल्ली में। इसमें करीब 15 मुल्कों के लोग भाग लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है जो हाल ही में पुलवामा हमला हुआ उस चीज को देखते हुए। 3 दिन का सम्मेलन होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर जी, वो इसके जो है मुख्य अतिथि इसकी उद्घाटन करेंगे। और मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो RSS से जुड़े नेता हैं इंद्रेश कुमार जो कि मुस्लिम मंच से जुड़े हुए हैं RSS के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि तीसरा प्रश्न है कि प्रतिवर्ष मार्च में दूसरे गुरुवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मार्च में दूसरे गुरुवार को जो दिवस मनाया जाता है वो है विश्व किडनी दिवस, वर्ल्ड किडनी डे, राइट। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष मार्च में दूसरे गुरुवार को, याद रखिएगा। और इसमें क्या किया जाता है, जो गुर्दे का महत्व होता है, जो किडनी का महत्व होता है, उसके बारे में किस प्रकार से जागरूकता फैलाई जाए, इस जागरूकता फैलाया जाता है और उसकी बीमारी की आवृत्ति और प्रभाव को कम करने के लिए ये मनाया जाता है। इस बार का जो विषय है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, इस बार का विषय आप देख सकते हैं। और गुर्दे की बीमारी की रोकथाम की जो शुरुआती उपचार है उसको किस प्रकार से सभी जगह उपलब्ध कराया जाए उसके ऊपर इसमें जो विचार किया जाएगा इस बार का विषय रहेगा विशेष रूप से। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि अमेरिकी सैन्य बल और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG इसके द्वारा कहाँ संयुक्त अभ्यास किया जाएगा, और यह अभ्यास जो किया जाएगा वो हैदराबाद में किया जाएगा।
सो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इसकी डिटेल देखिए क्या है, तो भारत अमेरिका सुरक्षा साझेदारी के रूप में, हिस्से के रूप में दोनों सुरक्षा साझेदार करेंगे, और अमेरिकी सैन्य बल और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG हैदराबाद में संयुक्त अभ्यास करेंगे। उद्देश्य क्या है, ऐसी आपात स्थिति से निपटना किसी भी प्रकार की, और अच्छे से तैयार होना जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा हो, तो इस प्रकार की स्थिति से किस प्रकार निपटा जाए, ये इसका जो है उद्देश्य रहेगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, जो कि पांचवा प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए समझौता हुआ है, तो भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है। सो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इसकी डिटेल देखिए क्या है, तो भारत अमेरिका जो सामरिक सुरक्षा वार्ता है उसका नवा दौर शुरू हुआ वाशिंगटन डीसी में, और वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। दोनों पक्षों ने यहां पर गैर राज्य अभिनेताओं के बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों से इनकार करने, यानी कि कुल मिला के ये जो है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स इंग्लिश में कहा जाता है, उनको किस प्रकार से ये हथियार हैं उनको नहीं पहुंचाया जाए, उनको ना पहुंच पाए उनके पास में, और समझौते के साथ भारत में अमेरिका क्या करेगा, परमाणु संयंत्र स्थापित करेगा, और ये जो कुल 6 परमाणु संयंत्र जो स्थापित किए जाएंगे भारत के अंदर, राइट। तो 6 अमेरिकी परमाणु रिएक्टरों की स्थापना भारत में करने को जो है समझौता किया गया है। बात करेंगे अब अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पर स्थित है, ये देखिए मुख्य भूमि है इसकी, और ये अलास्का है जो कि अमेरिका के ही भाग है, उत्तरी अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप हैं, और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, और एक अमेरिकी डॉलर के अंदर लगभग 71 इंडियन रुपीज होते हैं। वहीं बात करेंगे सरकार की है तो पर संघीय संसदीय लोकतंत्र है, और संसद का नाम सीनेट और कांग्रेस है, राइट, ये यहाँ की सरकार है। चलिए मैप में मैं अब आपको संयुक्त राज्य अमेरिका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको अमेरिका जाना है तो जस्ट पीछे की तरफ जाइए, पश्चिम की तरफ मूव कीजिए, और पश्चिम में स्थित है ये है अमेरिका, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये अमेरिका है। अमेरिका में 50 राज्य हैं एक्चुअल में, उसकी राजधानी कहाँ है, तो वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी यहाँ पर स्थित है। ये वॉशिंगटन डीसी न्यूयॉर्क सिटी के पास में, यहाँ पर देखेंगे आप इधर न्यूयॉर्क है, राइट। अब ऊपर इसकी सीमा लगती है कनाडा के साथ, नीचे इसकी सीमा लगती है मैक्सिको के साथ, और मैक्सिको के साथ ये भी हाल ही में अपनी सीमा पर एक बड़ी दीवार बनाने के बारे में भी बात चल रही है। इसका एक और भाग यहाँ पर है, ये है अलास्का जो कि इसने खरीदा है, किससे खरीदा था ये, और ये अलास्का इसने खरीदा था रशिया से, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने छठवा, कि गोल्ड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर आता है। अभी हाल ही में सूची जारी की गई है, और इसमें भारत का जो स्थान है वो 11वां स्थान है। बी ऑप्शन सही उत्तर है। इसकी डिटेल देखिए क्या है, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC इसने रिपोर्ट जारी की है, और उसके अनुसार भारत जो है सोने के सबसे बड़े उपभोक्ता के पास कुल 11वां सबसे बड़ा सोने का भंडार है, राइट, और कुल 660 टन हमारे पास भारत के पास सोने का भंडार है। इस सूची में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो एक देश नहीं है, लेकिन वो उसको शामिल किया गया है, और 2,814 टन के साथ तीसरे स्थान पर आता है। वहीं नंबर 1 पर अमेरिका है, और दूसरे स्थान पर जर्मनी का स्थान आता है, और तीसरे पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आता है। यदि इसको बाहर निकाल दिया जाए तो भारत अब देशों की सूची में 10वें स्थान पर शामिल होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि है 7वां प्रश्न, कि किस बैंक ने डोर स्टेप यानी घर पहुंच बैंकिंग सेवा शुरू करने का शुभारंभ किया है, और ये शुभारंभ किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन सही उत्तर है। अब ये सेवा क्या है और किन के लिए शुरू की गई है, तो वरिष्ठ नागरिक जो होंगे जिनकी आयु 70 से अधिक है उनके लिए, अलग अलग उम्र के ग्राहकों के लिए एक डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की गई है, और इसमें जो पात्र ग्राहक होंगे उनको वित्तीय लेन देन के लिए 100 रुपये प्रति लेन देन, और गैर वित्तीय लेन देन के लिए 60 रुपये का जो शुल्क चुकाना होगा, और उसके साथ इस वो सेवा का लाभ उठा सकते हैं, यानी उनके घर पे किसी भी प्रकार की सेवा उनको दी जा सकेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उससे पहले SBI की जानकारी लेंगे। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, और मुख्यालय इसका वर्तमान में मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है, तो रजनीश कुमार। 8वां प्रश्न आपके सामने आ गया है, कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए हैं MR कुमार। डी ऑप्शन सही उत्तर है। इनकी डिटेल देखिए क्या है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के नए चेयरमैन बने हैं MR कुमार साहब, और ये 5 साल के लिए इनको चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा TC सुशील कुमार और विपिन आनंद, इनको भी 5 साल के लिए LIC का प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। बात करेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की, तो भारत सरकार के स्वामित्व की कंपनी है, सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, और स्थापना 1953 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नवा प्रश्न है कि हिंदी के किस जाने माने साहित्यकार को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया लीलाधर जगुड़ी को। ए ऑप्शन सही उत्तर है। सो किस कृति के लिए सम्मानित किया गया है? तो हिंदी के साहित्यकार हैं लीलाधर जगुड़ी, उनको साहित्य उनका जो काव्य संग्रह है जितने लोग उतने प्रेम, क्या नाम है कविता का संग्रह का, जितने लोग उतने प्रेम, 2018 का व्यास सम्मान इनको दिया जाएगा। और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जो है उनकी अध्यक्षता वाली जो 5 सदस्यीय टीम थी उसने इनका चयन किया है। और 2013 का इनका जो काव्य संग्रह था जिसका नाम क्या बताया मैंने अभी आपको कि जितने लोग उतने प्रेम, उसके लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। बात करेंगे व्यास सम्मान की, तो भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। और स्थापना 1991 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है कि किस देश में विशेष ओलंपिक खेल 2019 की शुरुआत हुई है? सो ये जो खेल की शुरुआत की गई है ये की गई है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में। बी ऑप्शन सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख ली, और यूएई में भी कहां पूछा जाए अब से, तो अबूधाबी में। तो 14 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे विशेष ओलंपिक खेल 2019, और पहले ऐसा जो खेल है जिसके अंदर 200 से अधिक देशों का रिकॉर्ड तोड़ स्वागत किया जाएगा। 200 राष्ट्रों में से 195 खेल स्पर्धा में भाग ले रहे हैं और 5 इसका अवलोकन कर रहे हैं। 7 दिनों का 24 ओलंपिक खेलों में लगभग 7,500 एथलीट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, और क्वेश्चन ऑफ द डे में हमने आपसे कल प्रश्न पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो अंजलि लोधी ने जानकारी दी है कि स्कॉट मॉरिसन जो है वो इसके प्रधानमंत्री हैं। 24 अगस्त 2018 से राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। सरकार संघीय संसदीय लोकतंत्र है, सांवैधानिक राजशाही है, और यहाँ की साम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय है। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, एक राष्ट्र और एक द्वीप माना जाता है, यानी महाद्वीप भी माना जाता है, राष्ट्र भी और एक द्वीप भी माना जाता है। स्वांजलि लो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का प्रश्न आपसे, आज का प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसके बारे में जो भी डिटेल फीफा विश्व कप के बारे में या जिस देश में आयोजित किया जाएगा उसके बारे में या जो भी आप जानकारी देना चाहें उसका स्वागत है। परीक्षा उपयोगी जानकारी होना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ये हमारी वेबसाइट है examguruji.in, यहाँ जाइए, डाउनलोड कीजिए हमारे वीडियो की PDF और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ में इस वीडियो के लिंक को भी शेयर करना मत भूलिए। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।